हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिक्रिएट करेंगे नेहा कक्कड़ का ये लुक, जिसमें इन्होंने क्रॉप टॉप पहना था और नीचे इन्होंने प्लाजो पहना था। प्लाजो की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए जाकर। और टॉप की वीडियो में अब आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉप बनाएंगे। पूरा इसी लुक में हम अपना टॉप बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक यूज़ करा है। सेम इसी मेथड से हम अपना प्लाजो एंड ये टॉप बनाएंगे, जो आगे से थोड़ा सा लॉन्ग है और पीछे से हमारा शॉर्ट है। इस तरीके से ये हमारा लुक रहेगा। सो उसके लिए हम पहले अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने इनर की कटिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या करा है, 6.5 इंच का हमने नीचे वाला पोर्शन रखा है, जो हमारा कर्व में पोर्शन आएगा। उसके बाद हमने अपने फुल लेंथ ली है, फुल लेंथ प्लस 1 इंच कर लेंगे। उसके बाद हम 6x6 का अपना बॉक्स बनाएंगे। जैसे हम प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं, उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। और ऊपर से मैं इसको 4.5 रखनी हूँ, नीचे से भी 4.5, और डीपनेस हम इसकी 6 रखेंगे, क्योंकि नेक जो है इतना डीप नहीं है। और यहाँ से हम अपना 4 इंच रखेंगे और इसको कर्व शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हमारे क्यूब स्टाइल ब्लाउज की कटिंग ठीक है। उसके बाद हम पोने चार लेंगे और उसके बाद अपने डॉट्स का निशान लगाएंगे और अपना प्रिंसेस कट इसको बना लेंगे इस तरीके से। अब नीचे वाले पोर्शन को हमने जो इसको बढ़ाया था, इस तरीके से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे से ऊपर तक हम इसको कर्व देंगे। जो कर्व रहेगा हमारा बिल्कुल ऊपर से रहेगा, बिल्कुल आगे वाले पोर्शन में नहीं रहेगा, साइड से स्टार्ट होगा। इस तरीके से हमें अपना कर्व शेप देनी है और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। सेम इसी मेथड से हमको सारे अपने मेजरमेंट रखने हैं, चेस्ट का 1/4 और वेस्ट का 1/4। ये हमारा ऑब्वियस है, यही मेथड रहता है। नीचे का हमारा इस तरीके से हम रखेंगे, ठीक है। इसी मेथड से हम इसका बैक रेडी कर लेंगे। फ्रंट पोर्शन को रख के हम इसका बैक कट कर लेंगे और फिर हम इसकी डीपनेस लेंगे 10 इंच, ठीक है। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक के ऊपर अपने इनर को रख के कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा में हमें कपड़ा कट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा लेकर ही कट किया हुआ है। इस तरीके से जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है, वो 6 इंच का हमारा तैयार होगा। आप अपने कस्टमर का मेज़र कर लें कि उनको कितनी लेंथ रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेज़र करें, ठीक है। इस तरीके से इसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। जैसे अगर हमारा 16 इंच का ब्लाउज तैयार है, हम उसको 17 पे ही कट करेंगे, क्योंकि ये पैडेड नहीं है, ठीक है। अगर कस्टमर पैडेड मांगता है तो उसको आप 2 इंच प्लस करेंगे, अगर नॉर्मल है तो उसमें आप 1 इंच प्लस करेंगे। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं इसका बैक पोर्शन रेडी कर रही हूँ। इस तरीके से हम अपना फोल्ड कर लेंगे, इनर को रख के इस तरीके से हम अपना फोल्ड कर लेंगे। दोनों पार्ट हमें इसी मेथड से रेडी करने हैं इस तरीके से, और दबी सिलाई लगाना ना भूलें, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो एकदम ठीक रहे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको पहले हम सिलाई लगाएंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। सेम इसी मेथड से मैं अपना सेकंड पार्ट भी रेडी करूँगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके से हम अपने निशान लगाएंगे, इसके पीछे हम प्लेट्स डाल लेंगे। 3.5 इंच पे हमें प्लेट्स डालनी है अपनी दोनों पार्ट्स की। और प्लेट जैसे हम नॉर्मल ब्लाउजेज में डालते हैं, वैसे हमें प्लेट डालनी है। इसके बाद इसका जो बैक का डिज़ाइन है वो जिगजैग में है, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं उस हिसाब से। इसके बाद हम इसकी लूप्स तैयार करेंगे। अब हम अपने बैक फ्रंट पोर्शन की स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स को रेडी करूँगी, इसकी इनर के साथ अटैच करके, और उसके बाद हम इसके फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे इस तरीके से। फिर हम सारा अपना ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हम करते हैं अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज में। उसके बाद जो हमारे ये मेन पोर्शन है, इसको मैं ओरिफ पट्टी की हेल्प से फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसमें ओरिफ पट्टी यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। और नीचे की साइड हम इसमें तुरपाई करेंगे, आप चाहें तो उसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, बट तुरपाई ज़्यादा अच्छा लुक आता है, तो इसलिए मैं इसमें तुरपाई ही यूज़ करूँगी। फिर इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी है। सेम जैसे हम मेथड बनाते हैं, अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज जोड़ते हैं, उसी हिसाब से हमें इस ब्लाउज को भी जोड़ना है। और ऊपर की साइड से भी हम सेम और एक पट्टी की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे सारे कपड़े को इस तरीके से। अब हमारा ऊपर वाला पार्ट जो रेडी है, इसके बाद जो भी हमारे हैं उसमें कट्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो मुड़ाव वाली जगह है वो ढंग से मुड़ जाए। और उसके बाद हम अपनी दबी सिलाई लगाएंगे। और अब हमारा पार्ट जो है फ्रंट नेक का, वो रेडी है इस तरीके से। और बैक पोर्शन के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लूप्स तैयार करेंगे, जैसे हम डोरी बनाते हैं, सेम उसी मेथड से हमको अपनी लूप्स रेडी करनी है। दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रख के हम अपने चौक की हेल्प से इसमें निशान लगा लेंगे, हमें कैसे कितनी कितनी गैप में हमें लगानी है इस तरीके से। मैं 2-2 इंच के गैप पे लगा रही हूँ इस तरीके।
जो हमारी लूप्स हैं वो दोनों साइड आएंगी। पहले हम अपना एक पट्टी लेंगे, जैसे हम अपने ब्लाउज में लगाते हैं उकाई पट्टी, उसी तरीके से हम इसमें आप नीचे की साइड लूप्स अटैच करेंगे और इनमें सिलाई लगा देंगे। ये हमारा फाइनल लुक है पीछे से। इसके बाद हम इसमें नॉर्मली डोरी अटैच करेंगे, जैसे नॉर्मली डोरी हम बनाते हैं। उसके बाद हम अपने निशान लगाएंगे। ये चीज़ आपको याद रहे कि अगर हमारा 40 चेस्ट का ब्लाउज है तो हमको उसको 39 का रेडी करना है, क्योंकि जो बैक हमारा पोर्शन है उसमें जिगजैग है। जिगजैग के लिए हम को थोड़ा सा कम चाहिए होता है, ताकि हमारा जो जिगजैग वाला पोर्शन है वो ढंग से उभर के आए। ठीक है, अगर हम उसी नाप का ब्लाउज बनाएंगे तो जो जिगजैग वाला पोर्शन है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, वहाँ पे हमारा डिज़ाइन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमें जो भी हमारा ब्लाउज है उसको 1 या 1.5 इंच हमें छोटा ही बनाना है अपने हिसाब से, कमर से भी और हमारी चेस्ट से भी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ब्लाउज एकदम रेडी है। और आप इसमें चाहें तो एक्सेसरीज इसमें ऐड कर सकते हैं, और या फिर लटकन आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके स्टेप रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने अपना इनर का कपड़ा काट लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद हम अपनी इस हिसाब से कटिंग करके उसको स्टिच कर लेंगे। पट्टी हमें रखनी है, अगर हमारा 10 इंच बैक नेक है और 5 इंच का हमारा फ्रंट नेक है तो उसके अकॉर्डिंग हमको 15 इंच हमारा टोटल हो गया। बट हमको जो पट्टी रेडी करनी है वो 14 या 13 इंच की ही करनी है, इसके ज़्यादा हमें नहीं करनी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो उतरती रहेगी। छोटी हो वो चलेगी, पर कम नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज रेडी है। कस्टमर ने इसमें लेस वगैरह अटैच नहीं करी थी, इसलिए मैंने नहीं करी। बैक पोर्शन हमारा ये है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको मेरा ब्लाउज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ।